और साथ ट्राई कर करके हर पैंट हर शर्ट एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रही हैं कि कौन सी किसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी, दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप सजेस्ट कर सकते हैं ब्लैक वन या ब्लू वन, कौन सी ज़्यादा इस पैंट के साथ अच्छी लग रही है। नहीं, उनको नया शौक आया हुआ है। ये पैंट का क्या नाम है? अपनी चार भाई। चार तो फिर क्या हुआ, एसी की डायरेक्ट थ्रो में सोते हैं आप? वट एवर आई वांट परचेज, मैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर परचेज करके घर वापस। रेडी रहना, मैंने तुम्हें चाचू की तरफ ड्रॉप करना है, यानी कि उनका अपना कोई रीज़न नहीं है, रीज़न मेरा ही है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ज़ैनब अकबर अली रजब, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर तो हो गई हूँ, पर बहुत जल्दी में हाजिर हुई। आपको मेरी आवाज़ और मेरी स्पीड से लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। जी हाँ, मैं जल्दी में हूँ। वो इसलिए कि पापा गए हैं नहाने, यानी कि पापा शावर लेने गए हैं, और पापा मुझे ये कह के गए हैं कि रेडी रहना, मैंने तुम्हें चाचू की तरफ ड्रॉप करना है, यानी कि उनका अपना कोई रीज़न नहीं है, रीज़न मेरा ही है। मुझे जाना था बाज़ार कुछ विंडो शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पहले चाची की तरफ जाऊँ टू टेक हर अलोंग विद मी, यानी कि उन्हें अपने साथ हमारा बाज़ार लेकर जाने के लिए। तो उसी के लिए पहले चाची की तरफ जाना पड़ेगा ना, तो अभी चाची की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ से बाज़ार चलेंगे, फिर आगे क्या करेंगे ये डिसाइड करेंगे। तो ना अभी पापा ने मुझे कहा है कि रेडी रहना, मैं बस शावर लेकर आ रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हूँ। तो अभी चाची की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम दे रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छे से कमेंट कर दीजिए। और अभी जो है वो चाचू की तरफ जाकर आपसे मुलाकात करते हैं। तो चाचू की तरफ मैंने आपको दिखाया था कि आ गए थे, अब चाचू की तरफ आने का रीज़न मैं घर से आपको बता के आई थी कि कुछ मुझे विंडो शॉपिंग करनी है, उसके लिए मुझे चाची को साथ लेकर जाना होगा, तो वो काम हमने कर लिया। यू कैन बिलीव के हमारी विंडो शॉपिंग भी 15-20 मिनट के अंदर हो जाती है, यानी कि आई एम नॉट यूज टू गोइंग आउट, यानी कि बाज़ार्स वगैरह फिरने की मुझे इतनी आदत नहीं है। आई थिंक कि मैं साल हा साल बाद बाज़ार जाती हूँ, और वो भी 10-15 मिनट में, जो भी वट एवर आई वांट परचेज, मैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर परचेज करके घर वापस। ये है मेरा हिसाब किताब, मतलब मैं नहीं जाती बाज़ार इतना। तो अभी जो है वो चाची के साथ मैं बाज़ार से हो आई हूँ, विंडो शॉपिंग जो करनी थी थोड़ी बहुत वो कर ली है, और अभी चाचू की तरफ हैं हम। अब पता नहीं अभी घर जाएंगे, रात में घर जाएंगे, प्लान्स का कोई पता नहीं होता हमारे। इधर आके हम अक्सर वो क्या कहते हैं ना, सुस्त हो जाते हैं या ढीले हो जाते हैं सुस्त हो जाते हैं, मतलब इधर आकर हम अक्सर ही सुस्त हो जाते हैं, और दोपहर में आते हैं और रात को वापस जाते हैं। तो अभी क्या, हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम अभी घर वापस जाएंगे या रात में वापस जाएंगे, तो जब भी जाएंगे आप हमारे साथ ही जाएंगे, आपको कौन सा हम इधर छोड़ जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम आपको साथ लेकर जाएंगे। तो अभी जो है वो चाचू की तरफ आकर अगर हम बाहर सहन में सुकून चिलमोल ना गया तो फ़ायदा, अभी आपको पंखे की आवाज़ आ रही है ना, बाहर सहन में पंखा चल रहा है, तो मैं जो हूँ वो बाहर जाके लाइट बंद करती हूँ और सहन में सुकून करती हूँ, आराम करती हूँ। तो तब तक के लिए जो ना आपने बने रहना है, अभी आगे क्या होता है ये मैं आपको लाजमी बताती रहूँ। जी तो चाचू की तरफ आए हैं, तो ये कहीं नहीं लिखा कि आपने वहाँ जाकर नमाज़ें नहीं पढ़नी, जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ लीजिए। तो अभी जो है मैं चाचू की तरफ हूँ बेशक, लेकिन नमाज़ मैं यहाँ भी पढ़ सकती हूँ, और मैं तो अक्सर यहाँ ही नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पाई जाती हूँ। तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद का प्लान कुछ सेटल वेटल करते हैं। चाचू के घर से हम लोग वापस आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है, और उसके साथ साथ असद भाई ने भी कुछ शॉपिंग कर ली है। लेट मी शो यू व्हाट ही परचेज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं ही नहीं गई थी, असद भाई भी शॉपिंग करने गए थे, और ये देखें नए जीन्स और नए शर्ट्स लाए हैं,
और साथ ट्राई कर करके हर पैंट हर शर्ट एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रही हैं कि कौन सी किसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी अभी। और मुझे मिरर पकड़ा के ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर तरफ से देख रहे, तो आप भी इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी शर्ट किस पैंट के साथ चलेगी। अगर आपने वैसे सारी नहीं देखी इन्होंने, लेकिन जितनी देख ली वो फिर पहन के आएंगे जी। तो पहली शर्ट चेंज करके अब दूसरी पहना है, अभी ये वाली पैंट के ऊपर दूसरी शर्ट ट्राई हो रही है कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप सजेस्ट कर सकते हैं ब्लैक वन या ब्लू वन, कौन सी ज़्यादा इस पैंट के साथ अच्छी लग रही है। नहीं, उनको नया शौक आया हुआ है। ये पैंट का क्या नाम है? बैगी स्टाइल पैंट्स लेकर आए हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में लेकर आए हैं। पहले भी एक दो लेकर आए हैं, तो अभी भी दो चार और ले आए हैं, और सारी पैंटें उनके साथ अलग अलग शर्ट्स ट्राई कर रही हैं कि कौन सी किसके साथ अच्छी लगे। सब अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे। अच्छा जी, अभी अपने कपड़े ले आए हैं और उनको ना लाइन से रख रही है यहाँ पे अपनी चारपाई पे। तो फिर क्या हुआ, एसी की डायरेक्ट थ्रो में सोते हैं आप? अच्छा जी, अब ये जो ये वाली शर्ट है, और ये देखें ये वाली शर्ट है, थोड़े से कपड़े वादू ही अपने ये पैंट है। हाय रब्बा कसम, ये शुरुआत है ठंड में, तो शॉपिंग ही करनी है। अच्छा जी, अब ये देखें इनके कपड़े, और आप इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बता सकते हैं कौन सी पैंट और कौन सी शर्ट आपस में कॉम्बिनेशन वो कर सकते हैं। और ये देखे ना, थोड़े से पहने भी हुए उन्होंने, ये वाले भी कॉम्बिनेशन उनसे कोई मैच कर सकते हैं, तो आप सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझसे भी पूछ रहे हैं, पापा से पूछ रहे हैं, और ख़ुद भी वो मिरर में बार बार चेक कर रहे हैं। अगर आप अच्छा सा कॉम्बिनेशन इनमें से क्रिएट करके, इंस्टेंट ट्रांजिशन उन्होंने कर लिया, फटाफट से शर्ट चेंज कर लिया, जीन्स वही है। तो शर्ट चेंज करने का मकसद ये था, जीन्स वो बार बार चेंज नहीं कर सकते, और शर्ट ऊपर से चेंज कर रहे हैं कि कौन सी शर्ट किस पैंट के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी, और ये पैंट अभी उन्होंने पहनी हुई है इसके साथ कौन सी शर्ट जाएगी, ये आप लोग सजेस्ट कर दीजिए, उनको बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा ये जैसे देखिए शॉपिंग जो उन्होंने की है, आप उनको कोई ऑथेंटिक से सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं सजेशन, मैं उनको कन्वे कर दूँ, वो खुद ही देख लेंगे बाय द वे। तो अभी जो है वो आज के ब्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छे से कमेंट कर लीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल परसों जब भी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।